गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने देख सकते हैं मैंने छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस में बहुत सारे पद पर रिक्रूटमेंट आई है। तो पूरा इसका हम लोग पहले जो है एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट तक आप लोग रहेगा, इसमें मैं आप लोगों को पूरा आवेदन करने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट इसका देख लेते हैं। इसमें जो वैकेंसी है टोटल 975 पद पर रिक्रूटमेंट है, और देख सकते हैं इसमें विभिन्न पद पर रिक्रूटमेंट है, जैसे सब इंस्पेक्टर SI इसमें 577 पद पर रिक्रूटमेंट है, प्लेटून कमांडर इसमें 247 पद पर रिक्रूटमेंट है, सूबेदार इसमें 58 पद पर रिक्रूटमेंट है, SI स्पेशल ब्रांच इसमें आपका 69 पद पर रिक्रूटमेंट है, SI फिंगरप्रिंट इसमें 6 पद पर रिक्रूटमेंट है, और SI क्वेश्चन डिपार्टमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट इसमें आपका 3 पद पर रिक्रूटमेंट है, SI कंप्यूटर इसमें 6 पद पर रिक्रूटमेंट है, SI रेडियो इसमें आपका 9 पद पर रिक्रूटमेंट है, SI इंस्पेक्टर प्लेटून कमांडर सूबेदार और SI स्पेशल ब्रांच इन सभी के लिए आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, SI फिंगरप्रिंट SI क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इसमें जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए उसको बैचलर डिग्री मांगा गया है, और उसका जो है बैचलर डिग्री जो आपका होगा उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और PCM जो है किसी भी आपका यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट है तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। अगला जो आपका पद देख सकते हैं जैसे SI कंप्यूटर इसमें जो है आपका कैंडिडेट को BCA या फिर BSc है आपका कंप्यूटर में तो अब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, SI रेडियो इसमें जो है 3 साल का आपका डिप्लोमा आ गया है जो आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और भी आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं उनका मिनिमम एज आपका 21 साल मांगा है और मैक्सिमम जो है 34 साल मांगा है, और आपका एज में इसमें रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा जो आपका ST SC को 5 साल दिया जाता है, OBC को 3 साल दिया जाता है, फिजिकल हैंडीकैप को भी फिर अलग से दिया जाता है, तो सभी इसमें दिया जाएगा। इसका ऑनलाइन आपका 1/10/2021 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है आपका अप्लाई करने का 31/10/2021 तक है। आपका जो है पेमेंट इसका करना है आपका 31/11/2021 तक आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं, और इसका अभी एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा, ST SC जो कैंडिडेट है उनको 200 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा, और जैसे मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों ने यहाँ पर ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आई एग्री जो लिखा हम लोग इसमें क्लिक करना है, उसके बाद पेज को नीचे करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे सूबेदार हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर ठीक है, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, प्लेटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट, सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर, तो जिस पद के लिए आपको आवेदन करना है उसमें आप लोग इसमें क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे आप उसमें क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद देखें आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पहली प्राथमिकता, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ही पोस्ट सेलेक्ट किया इसीलिए मेरे यहाँ एक दिखा रहा है, अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके हिसाब से 1, 2, 3, 4 इसमें सब दिखेगा, तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर आप देख सकते हैं कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम वो डालना है, मिडिल नेम का कुछ होगा तो डालिएगा, फिर लास्ट नेम में आपका जो सरनेम होगा उसको डाल देना है। उसके बाद देखिए फादर नेम आपका या फिर हस्बैंड, अगर आप फीमेल है शादीशुदा है तो आपका हस्बैंड का यहाँ नाम दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मिडिल नेम आपका कुछ है तो सॉरी फादर का जो मिडिल नेम कुछ है तो वो डालिएगा, उसके बाद लास्ट नेम में जो फादर का मिडिल नेम है वो डालिएगा, फिर यहाँ पर आपका माँ का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद में मिडिल नेम माँ का कुछ है तो वो दीजिएगा, फिर लास्ट नेम में आपका जो मदर का सरनेम है वो डालिएगा, फिर आपको यहाँ पर जेंडर जो है जैसे मेल यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर फीमेल ट्रांसजेंडर, तो आप लोग जिस कैटेगरी से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर ही, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो कास्ट से जो है आपका जैसे यहाँ पर यह है जनरल OBC ST SC, तो जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कीजिएगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 9 नंबर में आप देख सकते हैं एज सेलेक्ट फॉर एज रजिस्ट्रेशन, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप एज रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे एक्स सर्विसमैन को है तो ऊपर में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अगर आप होम गार्ड है तो उसमें सेलेक्ट कीजिएगा, अदर गवर्नमेंट सर्विस किसी सरकारी सेवा में आप कार्यरत है तो उसमें क्लिक कीजिएगा, फिर
यहाँ पर देखिए छटनी किया हुआ शासकीय सेवक, तो आपने छटनी किया हुआ शासकीय सेवक है तो इसमें क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए आउटडेट सुपरवाइजर केसेस पार्टनर ऑफ द कपल अंडर द इंसेक्ट कास्ट मैरिज प्रमोशन सिस्टम अंडर द अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जैसे अस्पृश्यता निवारण 1984 का अधिनियम अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों का स्वर्णपंथी पत्नी, तो ये बोर्ड है कि 1984 के जो है, ठीक है, तो उसके तहत अगर आप जैसे कि जैसे अस्पृश्यता से है ना, जैसे उनसे कैंडिडेट्स अगर शादीशुदा हैं तो उसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विधवा परित्याग तलाकशुदा महिला है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए शहीद राजा पांडे सम्मान, गुंडाधूर सम्मान, महाराज प्रवीण मद्रेज सम्मान, राष्ट्रीय युवा सम्मान पुरस्कार, तो ये सब में कोई आपको सम्मान मिला तो इसको कीजिएगा। या फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल के कर्मचारी, अगर इसमें से भी आप कुछ है तो उसमें क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ नन है तो यहाँ नन में क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका आ गया है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ में जैसे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका स्क्रीन का लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ईयर लिखा हुआ, डेट तारीख लिखा हुआ, महीना लिखा हुआ। तो आपका जैसे अगर ईयर घटाना है तो यहाँ ईयर में क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद देखिए ईयर का पेज खुल गया है, तो आपने जो ईयर में जन्म दिया डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे मंथ है, डेट है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, कर्सर दिया हुआ जो है ऊपर में, तो अपने हिसाब से अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया, तो यहाँ पर देखिए बैचलर और एक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अगर आपका कुछ है तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो अगर आपका 3 ईयर्स है तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इसमें अगर आपका कुछ है बैचलर डिग्री जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, ठीक है, BSc कंप्यूटर इन इक्विवेलेंट ऑन एनी यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, तो अगर इसमें से कुछ है तो इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर में आर यू करंट एम्प्लॉय ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, तो अगर आप कार्यरत है पुलिस डिपार्टमेंट में तो यस कीजिएगा, दोस्तों नो करना है। उसके बाद देखिए आपका जो प्रोफेसी इन स्पोर्ट्स इन नेशनल इंटरनेशनल, तो अगर आपको कुछ मिला है, ठीक है, खेलकूद में कुछ सम्मान मिला है, ठीक है, तो यस करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपका जो है पहचान चिन्ह यहाँ दीजिएगा, फिर सेकंड मामले में आपके पास अगर कोई और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो उसको दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए मार्टेल स्टेटस, तो अनमेरिड है या मेरिड है, ठीक है, जो भी आप इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए पहचान पत्र चुनने, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जैसे आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड, तो जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अगर मान ले जो भी आईडी आप सेलेक्ट किए उसके यहाँ पर नंबर देना है। फिर आपके पास अगर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, जैसे आपका आसपास में कोई एक्सचेंज है तो वहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपका देखिए एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डेट, तो आप कब से कब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं वो देना आपको, और कब तक आपका वैलिड वो यहाँ पर, इसे फिर आपका 18 का बीमा डालना है। फिर आपको यहाँ पर जो है आपका फोटो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आप शासकीय सेवा लिए मेडिकल पदाधिकारी आयोग ठहराए गए हैं, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर किसी न्यायालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय सचिव समय आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है या हो तो विवरण दें, तो अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई है या फिर वहाँ पर कोई केस चल रहा है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। फिर देखिए 21 नंबर में क्या आप किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा इस समय अगर आप अगर कभी गिरफ्तार किए गए हैं, ऐसे आपको कोई जुर्म लगा हुआ है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। फिर 22 नंबर में क्या आप शासकीय अशासकीय कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल के स्थायी अस्थायी कर्मचारी है, यदि हाँ तो उसका पूरा विवरण दें, तो अगर आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अगर जो है आपका असरकारी या फिर जो सरकारी में जो छत्तीसगढ़ के कोई भी जो है मंडल में कार्यरत है तो उसका पूरा विवरण आपको देना है, यस कीजिएगा, तो पूरा विवरण आपको मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी मांगा है तो ईमेल आईडी आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में जैसे कि एट द रेट बीच में आया तो यहाँ पर आपका अगर जैसे मान लीजिए आपका ईमेल आईडी जीमेल में है तो नीचे में जीमेल लिखिएगा या फिर रेडिप मेल है तो रेडिप मेल लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना है यहाँ पर ही, फिर यहाँ पर देखिए पूरा इसमें एड्रेस आपको डाल देना, पोस्ट डालना है, फिर स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करने का डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है, फिर देखिए यहाँ पर प्रिंट आपका जो है पिन कोड डाल देना, फिर देखिए यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस का आ गया तो आपका देख लीजिएगा, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है करस्पोंडेंस एड्रेस में तो यहाँ पर सेम बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, आपको भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका सेम नहीं है तो इस बॉक्स में क्लिक मत कीजिएगा और पूरा डिटेल भरिएगा इसमें। उसके बाद देखिए 26 नंबर में जो है आपका 23/8/2018 में एक वैकेंसी आया था जो आपका सुबेदार सब इंस्पेक्टर क्रेड
प्लेटून कमांडर, ये सब में आपका जो है, आप कई भरे थे तो आपका कोई पंजीकरण नंबर होगा, अगर भरे होंगे तभी आपके पास पंजीकरण नंबर होगा जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, वो डाल के आपको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन आ गया, तो यहाँ पर ही आपका जो है येस कर देना है, सॉरी टिक मार देना है। उसके बाद देखिए पेमेंट टाइप जो है आपका एसटीएससी से करना है, पेबल अमाउंट आपको दे दिया है जो आपका, अगर एसटीएससी ओबीसी अगर एससी ये सब में बिलोंग करते तो आपको 200 रुपये लग रहा है एससी एसटी में, और जनरल से तो आपको ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा है, कैप्चा डालने के बाद यहाँ सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस का फॉर्म भरने का, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि फिर अपना इसमें से प्रिंट भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक भरने में कभी दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम की होगा तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की अगर लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड डेट की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़ पुलिस में जॉब करना चाहते हैं और कौन जो रिक्रूटमेंट आया है उसको देख के वीडियो को और कौन आवेदन कर पाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं चल पाता है कि कब कोई वैकेंसी आता है, ठीक है। और उनको अगर बहुत सारे कैंडिडेट को भरना भी नहीं आता है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। तो भी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।